देखिए इस चैप्टर में जैसा कि पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोगों को बताया था जहां तक भी समझाया था आप लोगों को समझ में आया होगा आज सोनी ने इलेक्ट्रोस्कोप से पढ़ना स्टार्ट किया था यहां से कॉन्सेप्ट आगे हम लोग लेके पढ़ रहे हैं अगर बेटा आवाज थोड़ी टूट के आए या स्क्रीन में थोड़ी अप डाउन हो तो आप लोग उससे कोई भी परेशान मत होना बस शांत रहना ठीक है क्योंकि जो वीडियो बन के जाएगी वो तो पूरी की पूरी यूट्यूब पे आपको साफ साफ ही दिखेगी इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है इसको डिटेक्ट इलेक्ट्रोस्कोप करता है बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप वी कैन टेल वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज और नॉट अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टच करते हैं मान लो कोई वायर है उसके साथ इलेक्ट्रोस्कोप हम टच करते हैं तो ये वो बता सकता है कि वो जो वायर है या कोई भी मेटल या कोई भी कंडक्टर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं है ठीक है और जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा इसमें भी उसी तरह हमने पता लगाया है एल्यूमिनियम लिप्स डाइवर्स और ये जो भी है एक्टिविटी आप देख लेना है एक्टिविटी का कुछ नहीं करना अब आगे देखिए सो वेदर

प्रोटोन का वेरी गुड आपको पता ही है कि कोई भी सबस्ट जो होता है अगर मैं इलेक्ट्रिक वायर की बात करूं जो कॉपर का बना है तो उसके एक एटम में प्रोटॉन ठीक है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहता है मैंने आपको बताया था और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन लूज होता है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है इसपे नेगेटिव चार्ज और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता पे बिल्कुल तो जैसा कि इसमें भी यही बताया गया है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज इट विल कॉज द एल्यूमिनियम लीव ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप टू डाइवर्स वेन टच वैन द मेटल टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप ठीक है That greater the amount of electric charge on an object, greater the aluminium leaves will not. Sorry, aluminium leaves will diverge. If, however, an object is uncharged, having no electric charge, then the aluminium leaf will not diverge at all. In the above activity, the electric charge of a charged glass rod has been transferred to the aluminium leaves through a metal paper clip.

और एक डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रोस्कोप है देखिए क्या है टॉप एंड ऑफ अ मेटल पेपर क्लिप ये दिख रही है आपको ये पेपर क्लिप है मेटल पेपर क्लिप की जो पेपर टाइप की बना रखी है कार्डबोर्ड कवर है इसका ऊपर ओपन एंड ऑफ मेटल ओपन क्लिप पेपर क्लिप ये रहा ओपनिंग और एल्मीनियम फॉइल लिप्स ये है जो और ग्लास बोटल ये है. अब दूसरे में देखिए एलमुनियम लिवस डाइवर्स ये अल्मोनियम लिवस जो है ये एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही है यहां पर हमने कोई भी तरह का चार्ज्ड ग्लास ट्यूब नहीं टच किया है तो ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर जो कि बिजली के लिए एक कंडक्टर का, का काम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है ना ये जो वायर है इलेक्ट्रिक वायर और ये जो फॉइल पेपर एल्युमिनियम का है ये सारा का सारा बिजली को कंडक्ट कर सकती है तो अगर कोई भी रॉड ऐसा टच ना कराया गया हो तो ये सटी सटी रहेगी आपको चिपकी हुई लेकिन जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को हमने इस वायर पे टच किया वायर पे तो एल्युमिनियम लिप्स डाइवर्ज कर जा रही है ठीक है इससे ये प्रूव होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया है एक्टिविटी के का जो भी कंक्लूजन निकला है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू एनअर ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर देखिए रहे हैं? फॉइल पेपर के ऊपर वायर वायर लगी हुई थी उसके ऊपर आपका क्या कहते हैं ग्लास रॉड था जो कि चार्ज था तो उससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया अब देखो और भी अच्छी तरह से हम समझते हैं डिटेक्शन ऑफ अ चार्ज विद इलेक्ट्रोस्कोप हम इलेक्ट्रोस्कोप से कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है या अनचार्ज है देखो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोपेक्टर्व उसी तरह से हम किसी भी वायर उससे इलेक्ट्रोस्कोप को टच कराएंगे तो पता चलेगा इफ ऑन टचिंग द मेटल टॉप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद द गिवन ऑब्जेक्ट द एलमुनियम लिप्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्स अगर वो एल्मोनियम की जो लिप्स थी जो दो जो फल पेपर नीचे था जार में डाइवर्ज हो रहा है मतलब एक दूसरे से दूर दूर जा रहा है देन द गिवन ऑब्जेक्ट हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम मानेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज था हमने ग्लास रॉड को टच कराया था उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज था इसीलिए तो फॉइल पेपर डाइवर्ज हो रहा था और अगर किसी भी मेटल टॉप को इलेक्ट्रोस्कोप से हम टच कराते हैं और एल्युमिनियम लीप्स अगर डाइवर्ज नहीं होती एक साथ चिपकी हुई रहती, साथ रहती है एक जगह साथ साथ ही रहती है इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट से आपने उस वायर के टॉप इंड को टच किया था वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं थे ठीक है तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम पता लगाते हैं कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं है अब देखो अर्थिंग आप शायद बच्चों अर्थिंग नहीं भी जानते होंगे लेकिन जैसे जब आपका घर बना होगा ना जो जब क्या कहते हैं उसकी बुनियाद दी जाती है जो भी फाउंडेशन दी जाती है पिलर्स आप जानते हैं पिलर खड़े होते हैं जो आ, क्या कहते हैं सरिया या जो रॉड होता है उसके साथ बांध करके फिर उसके अंदर मेटीरियल कॉन्क्रीट भरा जाता है ये सब पता है आपको तो मैं आपको बता रहा हूं जब मेरा भी घर बन रहा था तो उस समय क्या हुआ था जैसे ये जो पिलर होता है ना ये पिलर्स होते हैं चार पिलर के ऊपर वो पूरा कोई ना कोई फाउंडेशन होती है पूरी तो किसी ना किसी कोई जो पिलर होगा घर का आप समझ रहे इसके चारों तरफ ये जो रिंग बंधी रहती है आपने देखा ही होगा कहीं भी कंस्ट्रक्शन अगर बगल में देखा होगा आपने तो होता क्या है कि किसी भी एक पिलर के साथ है ना जो ये मेटल का जो रॉड होता है उसके साथ साथ एक कॉपर की जो वायर होती है उसके साथ साथ लपेट करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दी जाती है ठीक है इससे क्या होता है इसी को अर्थिंग करते हैं और अर्थिंग क्या होती है क्या काम करता है इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है वो चलिए हम विस्तार से देखते हैं देखो वैन एन इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज इट्स एल्युमिनियम लीफ और डाइवर्स ये तो आपको पता है ठीक है बट इफ वी फिंगर इट गेट्स डिस्चार्ज एंड इट्स लीव्स कोलैप्स एक्चुअली वैन वी टच मेटल टॉप ऑफ अर चार्ज with विद finger फिंगर the द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन चार्ज flows to the earth थ्रू आवर हैंड एंड बॉडी द electroscope loses ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज बिकम्स uncharged and hence इट्स diverged एलमोनियम leaves collapse or fold up देखिए कहने का मतलब क्या है हमको हर बार उस एक्टिविटी तक जाना ही पड़ेगा तभी आपको समझा सकते एक अब देखो यहां पर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड से इसको टच किया था लेकिन अगर हम अपने फिंगर से टच करें फिंगर से इसको टच करते हैं इस इलेक्ट्रोस्कोप को सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप जो हमने बनाया है ठीक है तो क्या होगा इसके आपके अंदर का जो करंट है ना और इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपके बॉडी के थ्रू होते हुए जमीन के अंदर आप जिस धरती पे खड़े हो उस अर्थ के अंदर चला जाएगा और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट ही कोलैप्स हो जाएगा मतलब कि इसमें कोई भी तरह का चार्ज नहीं रहेगा देखिए हम दिखाते हैं आपको एक सेकेंड

क्योंकि वही यहाँ पे रिजन दिया है क्योंकि जैसे ही आप चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को अपने फिंगर से टच करोगे देन द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप फ्लोज टू अर्थ थ्रू आवर हैंड एंड बॉडी तो आपके फिंगर के थ्रू इलेक्ट्रोस्कोप का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपके बॉडी में जाएगा फिर आप खड़े हो तो आपके पाँव के थ्रू धरती के अंदर चला जाएगा और सारा का सारा जो चार्जड पार्ट करंट होता है जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके इलेक्ट्रोस्कोप के वो खत्म हो जाएंगे और वो कोलेप्स कर जाएगा इसलिए ऐसा होता है तो इससे क्या कॉन्क्लूजन निकलता है द प्रोसेस इन विच ठीक है एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा या जिसमें द मेटल टॉप ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इट टचड विथ फिंगर एंड इट्स चार्जेस फ्लो इन द अर्थ थ्रू आवर हैंड एंड बॉडी इज कॉल्ड अर्थिंग ठीक है मैं इसको फिर से और अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं एक सेकेंड देखो मैं इसको अगर आपको इस समझ में आया आप लोग को या व्हाइट बोर्ड पर समझाऊ मैं इसको श्रद्धा यस सर समझ में आया मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे और एक्सप्लेन करूं सर आ गया समझ में ठीक है विधि सर ठीक है तब आ गया तो ठीक है बढ़िया और किसी को नहीं आया हो तो बोलेगा तो मैं कर दूंगा तो वही कहा जा रहा है अर्थिंग का क्या मतलब है द द प्रोसेस इन मेटल टॉप ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप टच विद फिंगर एंड इट्स चार्ज फ्लो इन टू अर्थ थ्रू आवर हैंड एंड बॉडी इज कॉल्ड अर्थिंग जब हम किसी भी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को अपने फिंगर से टच करते हैं तो उसका सारा चार्ज पार्टिकल हमारे फिंगर के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी से फिर वो अर्थ में चला जाता है जब जा हम खड़े होते हैं धरती के अंदर तो इसी को अर्थिंग करते हैं आप लोग अपने आप को म्यूट दैट द प्रोसेस बेटा अपने आपको म्यूट करिए आप लोग इन जनरल वी कैन से डेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अब हम साधारण भाषा में क्या कर सकते हैं ठीक है ठीके? देखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग तो अगर मान लो जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे घर में कोई भी जहां इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर भी है उसको धरती के अंदर पहुंचाना ही अर्थिंग कहा जाता है अर्थिंग कैन डू कैन ऑल्सो बी डन बाई कनेक्टिंग द मेटल टॉप ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप टू द अर्थ डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ अ मेटल वायर In that case, the electric चार्ज electroscope will flow to the earth through the metal wire dekhiye main मैं आपको बताता हूं और चित्र से इसको <coughs> देखो अब मान लीजिए अरे मयंक कितनी बार बाहर जाता है आता है अब मान लो कि आपके फिंगर है ये तो ड्रेकुला के हो गए कोई बात नहीं अगर आपने यहां पर इस इलेक्ट्रोस्कोप को अगर टच करते हो तो आपका जो फिंगर है ठीक है वो आपके हैंड के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा फिर आपके बॉडी के थ्रू जहां आप खड़े हो ठीक है जहां खड़े हो वहां आएगा तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप का ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज था इससे आपके फिंगर में फिंगर से हैंड को होते हुए आपके बॉडी से पाओ के थ्रू ही जमीन में चला जाएगा ठीक है तो ये अब इसको करने के लिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जो भी इंसान आपका दुश्मन हो उसको घर में खड़ा कर दो जहां जहां बिजली के तार है उसको पकड़ पकड़ के करंट को धरती के अंदर जाएगा तो करंट तो धरती के अंदर चला जाएगा लेकिन वो इंसान धरती छोड़ के चला जाएगा इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसलिए अपने घरों में अर्थिंग लगवाते हैं अर्थिंग की जो वायर है अब ये जितनी भी चार्ज है अगर हम लोग घर में अर्थिंग लगवा दें तो हमारे बॉडी में ना जा करके ये डायरेक्टली इस वायर के थ्रू सीधे डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा इसी को अर्थिंग करते हैं अब मैं आपको एक चीज और आगे यहीं पर व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूं जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है आपने उसमें देखा होगा या मंदिरों के ऊपर अभी जितने भी मंदिर है ना सबसे ऊपर एक त्रिशूल लगाया जाता है आपने देखा होगा आप कहोगे सर जी मंदिर के ऊपर त्रिशूल लगाया जाता है तो मस्जिद के ऊपर भी चांद तारा लगाया जाता है और जो गिरजाघर या चर्च होता है उसके ऊपर भी क्रॉस लगाया जाता है आप अगर ए, क्या नाम है उसका गुरुद्वारा देखो तो उसके ऊपर भी अपना चांद तारा जो भी लगाना है उनको लगाते हैं त्रिशूल जैसा ठीक है वो इसलिए लगाते हैं और वो जो त्रिशूल बना हुआ रहता है सबसे ऊपर मंदिरों पे ठीक है तो वहां पर अगर कोई ऊपर से आकाश से कोई भी लाइटनिंग या बिजली गिरती है तो उसके अंदर जाएगी मेटल के अंदर और वो मेटल अंदर कनेक्टेड होता है पिलर्स के साथ जमीन के एकदम नीचे फाउंडेशन तक और इस मेटल में इस तरह से जो वायर होती है कॉपर की वो लपेटी हुई रहती है बिल्कुल ठीक है ताकि जितनी भी बिजली गिरेगी वो इस मेटल के थ्रू होते हुए सीधे डायरेक्ट जमीन के अंदर चली जाए अगर ऐसा नहीं हो तो अगर किसी बिल्डिंग पे डायरेक्ट कोई भी इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी तो उस बिल्डिंग को कलेप्स कर सकती है तो ये भी फायदा होता है अर्थिंग का अर्थिंग इसीलिए दिया जाता है अब देखिए एक सेकेंड अब देखो तो ये आप समझ गए होंगे द इलेक्ट्रिक करेंट इन द वायर ऑफ दाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्रू दम हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना हुआ है अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन द वायरिंग ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक current from the ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक metal फ्रॉम द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक purpose ठीक है देखिए तो हमारे आपने है ना कोई मोटी बिजली की वायर देखी होगी तो अगर आप इस बिजली के वायर को अगर छीलते हो छोटी नहीं जो बड़ी मोटी वायर होती मेन जो कनेक्शन वाले उसमें तीन कलर के दिखेंगे एक ग्रीन एक ब्लैक और एक रेड दिखता है तो जो रेड ब्लैक होता है वो तो पॉजिटिव जो रेड होता है वो निगेटिव ठीक है और जो ये ग्रीन होता है वो होता है न्यूट्रल मतलब कि अर्थिंग अगर मान लो आपके वायर में या किसी भी चीज में अगर दाएं बाएं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो वो ग्रीन सीधे आपके वो जो अपलायंस होते हैं जैसे मान लो आपने है ना प्रेस यूज किया होगा इलेक्ट्रिक प्रेस उसके अंदर तीन वायर आपने देखे होंगे एक 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 तो ग्रीन, एक ब्लैक, एक तो होगा ग्रीन ब्लैक रेड ब्लैक और रेड को आप कनेक्ट करते हो ग्रीन को कनेक्ट नहीं करते ग्रीन ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट कुछ होता है तो सीधे या कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का दाएं बाएं फ्लो हो रहा है कुछ भी जो अपने ही चारों जहां होना चाहिए तो वो सीधे उसके अंदर जाएगा और उसके थ्रू होते हुए जो आपके पूरे घर का अर्थिंग जो होगा घर का उसमें के थ्रू जाके धरती के अंदर चला जाएगा इसलिए है आगे देखिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और प्रोडक्शन ऑफ स्पार्क देखिए ये क्या है हाँ तो ये आप समझ गए होंगे कि द इलेक्ट्रिक करेंट इन द वायरिंग ऑफ हाउसेज इन अदर बिल्डिंग इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थिंग ड इन द वायरिंग ऑफ हाउस एंड अदर बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अक्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ये तो समझ ही इसीलिए जब भी हम लोग वायरिंग करवाते हैं घरों में तो अर्थिंग जरूर लगवाया जाता है बनाया जाता है अर्थिंग होने से हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोडक्शन ऑफ स्पॉक ये क्या है देखते हैं एयर इज एंड नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आपको पता है अगर कोई बिजली का करंट किसी से इलेक्ट्रिसिटी का करंट अगर किसी वायर में हो और हवा में अगर हम ओपन कर दें तो हवा से थोड़ी हम तो को करंट लग जाएगा नहीं होगा तो नॉन कंडक्टर सो नॉर्मली एयर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल सही और इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल ना तो एयर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है ये तो पता है if however the amount of electric charge on two positively charged surfaces is very large then then the air between them conduct electricity in the form of spark ab agar देखो जैसा कि एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता लेकिन अगर मान लो कोई बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज का या हाई पावर का इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स हैं हाई वेट वोल्टेज के तब एयर भी एक तरह से कंडक्ट करता है बिजली को लेकिन वो एक स्पार्क की तरह चिंगारी की तरह करता है केवल ठीक है और कैसे द एयर बिटवीन दैम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अ स्पार्क अ स्पार्क इज अ फ्लैश ऑफ लाइट वेरी शॉर्ट टाइम जब बिजली चमकती है आकाश में बादल गरजने के बाद तो देखते हैं ना थोड़े समय के लिए वो आपको चिनगारी से दिखेगी है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट द एयर टू सच अरेचर डेट इट ग्लोज और ऐसा क्यों होता है बिजली चमकती है जो चिन वो बिजली से जो आकाश में जो लाइटनिंग होती है उसे इतनी ज्यादा चिनगारी क्यों निकलती चमक क्यों आती है इसलिए आती है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं पूरे क्लाउड्स के अंदर आस पास की हवा को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं और गर्म करने के चलते हीटअप करने के चलते एक ग्लो या चमक उठती है जिसको कि इलेक्ट्रिक जो कि एक हमको स्पार्क की तरह दिखती है दिस ग्लो ऑफ एयर इज सीन एज अ स्पार्क Uh, क्या होंगे भाई दिस ग्लो ऑफ एयर इज सीन एज द स्पार्क और फ्लैश दस इफ द अमाउंट ऑफ ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन टू सर्फेसेस इन वेरी लार्ज इन वेरी लार्ज द इंसुलेशन द इंसुलेशन ऑफ एयर बिटवीन दैम ब्रेक्स एंड इट अलाउज इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू इट देखो बेटा यहां दिख रहा है आपको यहां नीचे वाले में निगेटिव चार्जेस है और ऊपर वाले में पॉजिटिव चार्ज है ठीक है और दोनों के बीच में हवा है तो जब दोनों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो और बीच में हवा हो और दोनों बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो तो बीच में एयर जो इंसुलेटर का, का काम करता है वो इंसुलेशन खत्म हो जाता है और एक सेकेंड हेलो नहीं बेटा आप तो सारा क्लास अब घर से ले रहे हैं तो ये भी घर से ही लेंगे ठीक है भेजेंगे थोड़ी देर में देखिए, इसके कारण से क्या होता है देखो यहां लिखा हुआ है ना कहा गया भाई दिस ग्लोफेर इज सी दिसंट ऑफ अपोजिटिट इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑन टू सर्फेज इज वेरी लार्ज आप देख रहे हो uh, क्लाउड के अंदर तो बहुत ज्यादा वेरी अमाउंट जो कह सकते हैं या ग्रेट अमाउंट ऑफ चार्जेस होगा ना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा इसलिए वहां की उनके बीच का जो इंसुलेशन का काम एयर कर रहा था इंसुलेशन मतलब बिजली को रोक रहा था ऊपर और नीचे आने जाने से वो टूट जाता है और इलेक्ट्रिक चार्ज उसके थ्रू पास हो जाती है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एयर टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखिए इलेक्ट्रिक करंट का एयर में जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में उसी को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक करंट का सॉरी नहीं लिखा गया मेरे से इलेक्ट्रिक करंट का जाना ही इलेक्ट्रिक चार्ज का जाना ही इलेक्ट्रिक करंट का जाता है फिर से समझ लीजिए एक सेकेंड रुक देखो मान लो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट ठीक है द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इन एयर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होने से ही इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ये कैसे होता है आपको पता है क्योंकि वहां के बीच का एयर जो इंसुलेटेशन का काम करता है वो इंसुलेशन खत्म हो जाता है आगे देखिए During electric discharge the positive and negative electric charges cancel out each other and an electric spark and a crackling sound are produced in nature electric discharge within a cloud during thunderstorm produces huge electric spark known as lightning along with a loud sound called thunder and electric discharge between the thunder cloud and the earth also produces lightning followed by लेकिन अभी मैं आपको इतना कि पर होती है, कभी भी आपने देखा होगा हर बारिश के मौसम में या हर क्लाउड में लाइटनिंग तो नहीं होती किसी किसी क्लाउड में ही लाइटनिंग होती है और तभी होगी जब एक क्लाउड का एक पार्ट अपर पार्ट और लोअर पार्ट अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हो और ज्यादा अमाउंट में रखते हो तो बीच का जो एयर होता है उन चार्जेस के जो इंसुलेशन का काम करता है है वो हो जाता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट जो है एक दूसरे से मिल जाती है और जिसके चलते वो स्पार्क और लाइटनिंग होती है ठीक है कल आप लोगों को इनसुट ही आना है आज बारिश के चलते मैंने नहीं बुलाया ठीक है और कल इस चैप्टर को पूरा खत्म कराएंगे